Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतकों की चर्चा की अपनी श्रृंखला में आज हम विनोबा भावे के बारे में बातचीत करेंगे विनोबा भावे एक स्वतंत्रता सेनानी थे विनोबा भावे ने स्वतंत्र भारत में भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए इन महत्वपूर्ण कार्यों के माध्यम से उन्होंने गांधीवादी मूल्यों का प्रसार किया देश को एक समतावादी देश बनाने का प्रयास किया भूदान आंदोलन जैसा आंदोलन उन्होंने चलाया उन्होंने यह कोशिश की कि वह एक सर्वोदय समाज की स्थापना कर पाए विनोबा भावे के बारे में जो हमारी चर्चा है वह हमारी इस पूरी चर्चा यानी कि आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतकों के बारे में जो चर्चा की है पूरी श्रृंखला है उसकी यह आखिरी कड़ी है विनोबा भावे इस चर्चा में सम्मिलित हुए कई दूसरे चिंतकों से पहले इस दुनिया में आए थे मिसाल के तौर पर हम नाम ले सकते हैं राम मनोहर लोहिया का या दीनदयाल उपाध्याय का लेकिन आ, इनका इनका जो जीवन है वह इन लोगों के बाद रहा और दूसरी बात यह है कि यह लोकतंत्र पर जो विचार करने वाले चिंतक थे उनकी श्रृंखला में आते हैं तो इस लिहाज से हमने इन्हें भारत इस पूरी श्रृंखला के आखिरी चिंतक के रूप में स्थान दिया है और इसके पहले हम लोगों ने जिन चिंतकों की बात की उसके बारे में आ, पहले के एपिसोड में हमने विस्तृत जानकारी आपको दी है जिसमें अलग अलग तरह के थिंकर हैं राजा राम मोहन राय से लेकर दीनदयाल उपाध्याय राम मनोहर लोहिया जयप्रकाश नारायण तक जिसमें गांधी अंबेडकर और दूसरे के चिंतक भी शामिल हैं आज की इस पूरी चर्चा का जो उद्देश्य है वह यह है कि मैं आपको विनोबा भावे के जीवन के बारे में कुछ जानकारी दूँ उनके जो लेखन है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करूँ और जो उनके लेखन से जो वैचारिक तत्व उभर कर सामने आते हैं उनके बारे में हम बातचीत करें उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन करें हमारी जो पूरी चर्चा है उसकी एक रूपरेखा मैं आपके सामने रखना चाहूँगा सबसे पहले हम उनके जीवन के बारे में जानकारी लेंगे उनकी कुछ प्रमुख कृतियों की जानकारी मैं आपको दूंगा भूदान आंदोलन के बारे में हम बातचीत करेंगे भूदान आंदोलन क्या था भूदान आंदोलन किस तरीके से आगे बढ़ा और इसके कुछ सीमाओं के बारे में भी हम चर्चा करेंगे उसके बाद सर्वोदय और ग्राम स्वराज के बारे में उनके विचारों की हम चर्चा करेंगे विनोबा भावे के शिक्षा संबंधी विचार पर हमारी नजर रहेगी धर्म अहिंसा और आध्यात्मिकता को लेकर उन्होंने जो लेखन किया उस पर हम चर्चा करेंगे लोकतंत्र और दलीय व्यवस्था पर उनके विचारों पर हमारा ध्यान रहेगा फिर नियोजन के बारे में जो उन्होंने कहा उस पर हम बातचीत करेंगे आखिर में इनके विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हुए हम इस चर्चा को समाप्त करेंगे आचार्य विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर अठारह को महाराष्ट्र के कोलाबा जिले के गागोड़ गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था उनका मूल नाम विनायक नरहरि भावे था उनके पिता का नाम नरहरी राव व माता का नाम रुक्मणी देवी था उनकी माता एक विदुषी महिला थी आचार्य विनोबा भावे का ज़्यादातर समय धार्मिक कार्य व आध्यात्मिक बीतता था बचपन में वह अपनी माँ से संत तुकाराम संत ज्ञानेश्वर और गीता की कहानियाँ सुनते थे इसका प्रभाव उनके जीवन पर काफी गहरा पड़ा और इस वजह से उनका रुझान अध्यात्म की तरफ से की तरफ बढ़ गया आगे चलकर विनोबा भावे ने रामायण कुरान बाइबल गीता जैसे अनेक धार्मिक ग्रंथों का गहन अध्ययन किया वह कुशल राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री भी थे उनका संपूर्ण जीवन साधु संन्यासियों व तपस्वी की तरह भी था इसी कारण उनको संत कहकर भी संबोधित किया जाने लगा वह इंटर यानी कि बारहवीं की परीक्षा देने के लिए 25 मार्च 1916 को मुंबई जाने वाली रेलगाड़ी पर सवार हुए परंतु उस समय उनका मन स्थिर नहीं था उन्हें लग रहा था कि वह जीवन में जो करना चाहते हैं वह डिग्री द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता उनके जीवन का लक्ष्य कुछ और ही था अभी उनकी गाड़ी सूरत पहुंची ही थी कि उनके मन में हलचल होने लगी गृहस्थ जीवन या सन्यास उनका मन दोनों में से किसी एक को नहीं चुन पा रहा था तब थोड़ा विचार करने के बाद उन्होंने सन्यासी बनने का निर्णय लिया और हिमालय की ओर जाने वाली गाड़ी में सवार हो गए 1916 में मात्र 21 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और साधु बनने के लिए काशी नगरी पहुंच गए वहां पहुंचकर उन्होंने महान पंडितों के सानिध्य में शास्त्रों का गहन अध्ययन किया उस समय स्वतंत्रता आंदोलन भी अपनी चरम सीमा पर था महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आ गए थे तब विनोबा ने अहमदाबाद के कोचरम आश्रम में गांधी जी से पहले मुलाकात की इस मुलाकात के बाद उनका जीवन बदल गया और उन्होंने अपना पूरा जीवन गांधी जी को समर्पित कर दिया 1921 से 1942 तक वह अनेकों बार जेल गए उन्होंने 1922 में नागपुर में सत्याग्रह किया जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया 1930 में विनोबा जी ने गांधी जी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह को अंजाम दिया 11 अक्टूबर 1940 को प्रथम सत्याग्रही के रूप में गांधी जी ने विनोबा भावे को चुना यह एक व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन था जिसमें पहले सत्याग्रही विनोबा भावे बने और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू इसमें गिरफ्तार होने वाले लोगों को कुछ समय तक जेल में भी रहना पड़ता था और इसका मकसद जो था वह यह था कि लोगों के भीतर जो एक सत्याग्रह की जो एक पहचान या जो एक भावना है वह जागृत रखी जाए लोगों को सक्रिय रखा जाए क्योंकि जिस समय यह आंदोलन शुरू किया गया था उस समय भारत जोड़ो भारत छोड़ो आंदोलन जो है क्विट इंडिया मूवमेंट उसकी शुरुआत नहीं हुई थी और द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो चुका था तो कांग्रेस की राजनीति एक तरीके से अस्थिरता के भवर में कह सकते हैं अनिश्चितता के भवर में थी कि कांग्रेस को अंग्रेजों का समर्थन करना चाहिए या कांग्रेस को अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ देना चाहिए इस बात को लेकर कांग्रेस के भीतर कांग्रेस नेतृत्व के भीतर कश्मकश की स्थिति थी तो गांधी जी ने यह एक आंदोलन शुरू किया जिसमें कि सत्याग्रही चुने गए जो अलग अलग स्थानों पर जाकर अंग्रेजों की जो कई नीतियाँ हैं उसका विरोध करते और अपनी गिरफ्तारी देते तो इसमें यह एक बहुत ही सम्मान की बात थी कि उन्होंने प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को चुना और एक तरीके से यह इस बात की तस्दीक भी करता है कि गांधी की नज़र में विनोबा एक आदर्श सत्याग्रही थे समय के साथ गांधी जी और विनोबा भावे के संबंध काफ़ी मजबूत होते गए वह गांधी जी के आश्रम में रहने लगे यानी कि हम बात कर रहे हैं उन्नीस के दशक की और उसके बाद के समय की और फिर गांधी जी की उनकी गतिविधियों में भी वो हिस्सा ले लेने लगे और उनको वहाँ पर विनोबा भावे के रूप में या विनोबा के नाम के रूप में जाना गया आचार्य विनोबा भावे ने गरीबी को ख़त्म करने के लिए काम करना शुरू किया उन्नीस सौ पचास में उन्होंने सर्वोदय आंदोलन आरंभ किया इसके तहत उन्होंने भूदान आंदोलन की शुरुआत की उन्नीस सौ इक्यावन में जब वह आंध्र प्रदेश का दौरा कर रहे थे तब उनकी मुलाकात कुछ दलितों से हुई जिन्होंने विनोबा जी से अस्सी एकड़ भूमि उपलब्ध कराने की विनती की विनोबा ने जमींदारों से आगे आकर अपनी जमीन दान देने का निवेदन किया इसका काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिला और कई जमींदारों ने अपनी ज़मीनें दान में दीं वहीं इस आंदोलन को पूरा देश पूरे देश में प्रोत्साहन मिला उन्नीस में उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ब्रह्म विद्या मंदिर की स्थापना की नवम्बर उन्नीस में विनोबा भावे गंभीर रूप से बीमार हो गए और उन्होंने अपने जीवन को त्यागने का फैसला किया उन्होंने जैन धर्म के संलेखना संथारा के रूप में भोजन और दवा को त्याग दिया और इच्छापूर्वक मृत्यु को अपनाने का निर्णय लिया 15 नवंबर उन्नीस को विनोबा भावे ने दुनिया को अलविदा कह दिया आ, उन्हें भारत रत्न भी से भी सम्मानित किया गया और आ, उनके जीवन में आ, जो एक गांधी की जो पूरी शिक्षा थी जिसमें कि जो सृजनात्मक कार्य था जो ग्राम स्वराज का जो काम था उन्होंने उसको लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास किया कई तरह की कृतियाँ उनकी प्रकाशित हैं बहुत सारी कृतियाँ प्रकाशित हैं उसमें से कुछ का नाम अगर हम मैं आपके सामने रखूँ तो वह इस प्रकार हैं स्वराज शास्त्री गीता प्रवचन और तीसरी शक्ति ये उनकी लिखी किताबों में से प्रमुख हैं इसके अलावा अष्टादशी ईश्वास उपनिषदाशा अभ्यास गीताई गीताई चिंतनिका गीता प्रवचने गुरुबोध सार जीवन दृष्टि भागवत धर्मसार मधुकर मनुशासनम निवड़क मनुस्मृति जो मराठी में थी लोकनीति विचार पोथी साम्य सूत्रवृत्ति साम्य सूत्रे, स्थित प्रज्ञ दर्शन ये कुछ कृतियां हैं उनमें से कई कृतियां उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के संकलन के रूप में भी हैं हम अब भूदान आंदोलन के बारे में बातचीत करेंगे भूदान आंदोलन पर बातचीत करने से पहले उनके जीवन के कई ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में हम आगे विचार करेंगे ख़ास तौर पर आ, उस दौर में जिस दौर में ये सक्रिय थे और फिर राम मनोहर लोहिया या जयप्रकाश नारायण जैसे लोग भी जो कि गांधी के विचारों को मानने का दावा करते थे उसके आधार पर जो अपनी राजनीति और अपने जीवन को संचालित करते थे तो उसके बीच में जो एक विभेद की जो एक रेखा है वो किस तरीके से सामने आई या किस तरह की चीज़ें वहाँ मौजूद थी इसके बारे में आगे हम बातचीत करेंगे अभी हम भूधान आंदोलन को समझने का प्रयास करते हैं भूधान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा सन उन्नीस में आरंभ किया गया था यह स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था विनोबा की कोशिश थी कि भूमि का पुनर्वितरण सिर्फ सरकारी कानूनों के जरिए नहीं हो बल्कि एक आंदोलन के माध्यम से इसकी सफल कोशिश की जाए और बीसवीं सदी के पाँचवें दशक में भूधान आंदोलन को सफल बनाने के लिए गांधीवादी विचारों पर चलते हुए रचनात्मक कार्यों और ट्रस्टीशिप जैसे विचारों को प्रयोग में लाया गया उन्होंने सर्वोदय समाज की स्थापना की यह रचनात्मक कार्यकर्ताओं का अखिल भारतीय संघ था इसका उद्देश्य अहिंसात्मक तरीके से देश में सामाजिक परिवर्तन लाना था 18 अप्रैल उन्नीस की वह तारीख थी जब आचार्य विनोबा भावे को जमीन का पहला दान मिला था उन्हें यह जमीन तेलंगाना क्षेत्र में स्थित पोचमपल्ली गांव में दान में मिली थी विनोबा पदया पदयात्राएँ करते और गांव गांव जाकर बड़े भूस्वामियों से भूमि दान देने की अपील करते हैं वे उनसे अपनी जमीन का कम से कम छठा हिस्सा भूदान के रूप में भूमिहीन किसानों के बीच में बांटने के लिए देने का अनुरोध करते थे तब पाँच करोड़ एकड़ जमीन दान में हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था जो भारत में तीस करोड़ एकड़ जोतने लायक जमीन का छठा हिस्सा था उस वक्त प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता जयप्रकाश नारायण भी बुदान आंदोलन में शामिल हुए उन्नीस में उन्होंने इसमें अपनी हिस्सेदारी शुरू की जयप्रकाश नारायण के बारे में हम लोगों ने इस पूरी श्रृंखला में अलग से चर्चा की है जयप्रकाश नारायण दूसरे लोकसभा चुनावों के बाद जो चुनावी राजनीति थी उससे दूर होते गए और उन्होंने खुद को विनोबा के आंदोलन से जोड़ लिया और बाद के दौर में जब प्रकाश नारायण सकरे राजनीति में 1970 के दशक में वापस आए खासतौर तो पे 1974 के बाद और उन्होंने देश की राजनीति को एक नई दिशा देने का काम किया तो एक तरीके से जब भूदान आंदोलन शुरू किया विनोबा भावे ने तो उन्हें अलग अलग लोगों का समर्थन मिला आंदोलन के शुरुआती दिनों में विनोबा ने तेलंगाना क्षेत्र के करीब दो सौ की यात्रा की और उन्हें दान में बारह एकड़ भूमि मिली हैदराबाद राज्य के सातवें निज़ाम मीर उस्मान अली खान ने भी अपनी व्यक्तिगत संपत्ति से चौदह हजार एकड़ जमीन दान की इसके बाद आंदोलन उत्तर भारत में फैला बिहार और उत्तर प्रदेश में इसका गहरा असर देखा गया था मार्च उन्नीस तक दान के रूप में चालीस लाख एकड़ से भी अधिक ज़मीन मिल चुकी थी पर इसके बाद से ही आंदोलन का बल बिखरता गया उन्नीस सौ आते आते तक आंदोलन ने एक नया रूप धारण किया इसे ग्रामदान के रूप में पहचाना गया इसका अर्थ था सारी भूमि गोपाल की रामदान वाले गांवों की सारी भूमि सामूहिक स्वामित्व की मानी गई जिस पर सबों का बराबर अधिकार था इसकी शुरुआत उड़ीसा में हुई और इसे काफ़ी सफलता मिली 1960 तक देश में 4,500 से अधिक रामदान गांव हो चुके थे इनमें उन्नीस गांव उड़ीसा के थे जबकि महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर था वहाँ छः सौ तीन ग्रामदान गाँव थे कहा जाता है कि ग्रामदान वाले विचार उन्हीं स्थानों पर सफल हुए जहाँ वर्ग भेद उभरे नहीं थे वह इलाका आदिवासियों का ही था पर बड़ी उम्मीदों के बावजूद साठ के दशक में भूदान और ग्रामदान आंदोलन का बल कमजोर पड़ गया लोगों की राय में इसकी रचनात्मक क्षमताओं का आमतौर पर उपयोग नहीं किया जा सका दान में मिली 45 लाख एकड़ भूमि में से 1961 तक 8.72 लाख एकड़ जमीन गरीबों व भूमिहीनों के बीच में बांटी जा सकी थी इसकी कई वजहें रहीं मसलन दान में मिली भूमि का अच्छा खासा हिस्सा खेती के लायक नहीं था काफ़ी भूमि मुकदमे में फंसी हुई थी आदि आदि हालांकि कभी कभार मीडिया में भूदान में मिली जमीन के बाबत खबरें अभी भी आती रहती हैं आज़ादी के बाद यह उन पहली कोशिशों में से एक था जहां रचनात्मक आंदोलन के माध्यम से भूमि सुधार की कोशिश की गई थी उस समय के राजनेताओं का या फिर स्वशासन के डर से नेताओं ने उसमें अड़चने लगाने शुरू कर दी जिससे ये भविष्य में एक बड़ा रूप लेने से पहले ही बिखर गया भूदान आंदोलन के बारे में हम यह कह सकते हैं कि इसने एक ऐसी तरंग पैदा की हमारे देश में जिसमें कि स्वैच्छिक रूप से लोगों ने अपनी ज़मीन देने की शुरुआत की इसकी समझ बनाने के लिए हमें यह समझना होगा या हमें इस बात की समझ भी बनानी होगी कि कैसे हमारे देश में जमींदारी प्रथा के खिलाफ भी एक आंदोलन चल रहा था और उसके खिलाफ संसद ने बाकायदा कानून भी बनाया फिर वो कुछ चीज़ें अदालत में भी कुछ समय तक रहीं और ये जो पूरी स्थिति थी जहाँ पर जो बड़े बड़े ज़मींदार थे जिनकी ज़मीन ले ली गई उन्होंने भी भूदान का सहारा लिया जिसके माध्यम से उन्हें मौका मिला कि वो अपनी ज़मीन दान दे दें इससे पहले कि सरकार उनसे वो ज़मीन ले लेती लेकिन इस पहलू के अलावा भी जो भूदान के बारे में समझने की ज़रूरत है जिस बात को वह यह है कि इसने एक तरीके से इस बात को आदर्श माना कि वर्ग संघर्ष के बजाय वर्ग सहयोग की भावना हो जो लोग जमीनों के मालिक हैं वो स्वेच्छा से अपनी ज़मीन गरीबों को दे दें और इसमें मांग बहुत कम रखी गई यह कहा गया कि जो संपूर्ण जमीन है उसका छठा हिस्सा ही इसके लिए दिया जाए और इसने एक तरीके से एक नई ऊर्जा भी भरी जो रचनात्मक कार्य था उसके भीतर और लोग स्वेच्छा से भी अपनी ज़मीनें दे रहे थे तो यह कहना तो सही नहीं है कि सारे लोगों ने जिन्होंने अपनी ज़मीनें भुदान आंदोलन में दी वो असल में ज़मींदारी के विरुद्ध बने कानून से अपना पिंड छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे समाज में अपनी छवि अच्छी बनाने की कोशिश कर रहे थे यह जरूर कहा जाना चाहिए कि कम से कम कुछ लोग या बहुत सारे लोग विनोबा भावे के नैतिक अपील से भी प्रभावित थे लेकिन इसके पीछे जो एक ज़मींदारी कानून से बचने का जो तत्व था वह भी महत्वपूर्ण था कि लोगों ने अपनी ज़मीनें दे दी इस तरीके से ताकि आ, मोटे तौर पर वो जि उनके बाद जिन जिनको ज़मीनें मिले वह उनके अनुग्रहित व्यक्ति के रूप में भी रहें उनका समाज में प्रभाव भी रहें तो कई लोगों के लिए भूदान एक मौके के रूप में सामने आया हालांकि इसके भी इसमें एक नैतिक तत्व था और धीरे धीरे जब इसका बिखराव शुरू हुआ तो इसलिए भी यह बिखराव आगे बढ़ा क्योंकि आ, जो लोग हैं उन्होंने गलत तरीके से इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उन्होंने यह देखने की कोशिश की कि क्या भूदान से उनका जो वर्चस्व है गाँव में वो बना रहेगा या नहीं बना रहेगा या फिर भूदान के अलावा कोई और ऐसा रास्ता है जिससे कि वो अपनी ज़मीन को बचा सकते हैं तो कई लोगों ने अपने यहाँ काम करने वाले लोगों को ही बहुत सारी ज़मीनें दे दी उनके नाम से कर दी जिन पर वास्तविक नियंत्रण बाद में उनका ही बना रहा लेकिन हमें यह बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि विनोबा भावे की जो कोशिश थी भूदान के पीछे वह बहुत ही पवित्र कोशिश थी उनके मनसा काफ़ी साफ थी वो यह चाहते थे कि समाज में जो वर्ग की की असमानता है जहाँ एक तरफ भूस्वामी वर्ग है जिसके पास जमीन है जिसके कारण उसकी आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर है और दूसरी तरफ जहाँ भूमिहीन लोग हैं उनके बीच की जो दूरी है उसको पाटा जाए ग्रामदान कार्यक्रम के रूप में भी उन्होंने एक सामूहिकता के जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश की तो ये कोशिशें कुछ हद तक सफल रहीं आगे बढ़ी पर इनके साथ साथ जो समाज में जो बुनियादी अंतर्विरोध थे उसको ये पूरी तरीके से दूर करने में सफल नहीं हो पाई इसलिए एक सीमा तक आगे बढ़ने के बावजूद ये पूरा कार्यक्रम लंबे समय तक एक सफल कार्यक्रम के रूप में सक्रिय नहीं रहा लेकिन इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि भूदान आंदोलन के कारण बहुत से भूमिहीन लोगों को जमीन मिली उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ और उससे जो हमारे देश में जो सामाजिक और आर्थिक विषमता थी उसमें काफ़ी कमी आई अब अगर हम सर्वोदय और ग्राम स्वराज की इनकी इनके विचारों को देखें तो इसमें भी विनोबा गांधी के विचारों से प्रभावित थे और जो उनका भूदान का कार्यक्रम था उसमें भी गांधी के विचार एक प्रमुखता या प्रमुख तत्व के रूप में मौजूद थे जिसमें लोगों के चेतना को झकझोरने की कोशिश की गई कि वो अपनी संपत्ति का एक हिस्सा अपने समाज के दुर्बल वर्ग को दे दें उसी तरीके से सर्वोदय और ग्राम स्वराज का विचार भी उन्होंने गांधी से हासिल किया उन्होंने इसे ज्यादा विकसित करते हुए एक संस्थात्मक स्वरूप प्रदान किया विनोबा ने भूदान संपत्ति दान श्रमदार और बुद्धिदान जैसी योजनाओं के माध्यम से इसे चुनिंदा लोगों या चुनिंदा क्षेत्र में लागू किया यानी कि किसी भी आंदोलन में व्यक्ति से यह नहीं कहा गया कि वह पूरी तरीके से अपने जीवन को एक खास काम के लिए समर्पित कर दे, लेकिन चाहे भूदान हो चाहे संपत्ति दान हो चाहे श्रम दान हो चाहे बुद्धि दान हो उसमें उम्मीद यही थी कि व्यक्ति अपने जीवन का एक छोटा सा हिस्सा कम से कम आ दूसरों के भलाई के लिए समाज के भलाई के लिए खर्च करें चाहे वो श्रम दान की बात हो या संपत्ति दान की बात हो कि कुछ संपत्ति कुछ श्रम अपने जो उनकी बुद्धि के जो कुछ समझ थी वो सारे के सारे जो समाज के दुर्बल लोग थे जो गरीब लोग थे उनके भलाई के लिए खर्च किया जाए विनोबा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर गांव का निर्माण करना चाहते थे सर्वोदय के अंतर्गत जिस समाज की कल्पना की गई उसमें किसान छोटे उत्पादक और कारीगर सम्मिलित हैं जो परस्पर सहयोग के साथ जीवन यापन करते हैं ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के अनुरूप ऐसे समाज में संपत्ति पूरे समाज की होती है यहाँ आगे बढ़ने से पहले दो चीज़ों पर आ, मैं थोड़ी स्पष्टता लाना चाहूँगा एक तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है यह सिद्धांत महात्मा गांधी की तरफ से प्रस्तुत किया गया और उसमें यह कहा गया कि जिस भी व्यक्ति के पास जो भी संपत्ति है उसे खुद को उस संपत्ति का मालिक नहीं समझना चाहिए बल्कि उसे यह समझना चाहिए कि वह उसका संरक्षक या ट्रस्टी है यानी कि वह संपत्ति उसके पास है वह उसको उसकी देखभाल के लिए है और कुछ समय के बाद वह संपत्ति किसी और के पास चली जाएगी और उस संपत्ति का उपयोग उस व्यक्ति को दूसरों की या सबकी भलाई के लिए करना चाहिए उस संपत्ति से उस व्यक्ति को अपनी जरूरतों को पूरा करने लायक अंश ही लेना चाहिए और बाकी सारा भाग जो है वो समाज की भलाई के लिए खर्च करना चाहिए तो इस लिहाज से गांधी ने एक तरीके से निजी संपत्ति के उन्मूलन का जो विचार था उसको एक दूसरे अर्थ में प्रस्तुत किया हालांकि कई लोगों ने इसकी आलोचना की और उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति के पास निजी संपत्ति रखने का एक आसान सा रास्ता या एक आसान सा बहाना भी मिल सकता है कि कोई बड़ा उद्योगपति यह कह सकता है कि संपत्ति जो मेरे पास है मैं तो उसका संरक्षक हूँ लेकिन इसी आधार पर वह संपत्ति पर अपना नियंत्रण भी कायम रख सकता है कि भले ही मैं अपने आप को इसका मालिक नहीं समझ रहा हूँ पर चूंकि यह मेरी ट्रस्टीशिप के भीतर है इसलिए मैं यह तय करूंगा कि इसका कैसे उपयोग किया जाए कैसे उपयोग नहीं किया जाए लेकिन विनोबा ये चाहते थे कि इस विचार के आधार पर गांव में एक जो समरस समाज है आत्मनिर्भर समाज है उसका निर्माण किया जाए और महात्मा गांधी भी लगातार इस बात पर जोर देते थे कि जो गांव है वो आत्मनिर्भर होना चाहिए यानी कि इसका मतलब यह है कि यह नहीं है कि अलग अलग गांव, अलग अलग बॉक्सेस, बॉक्सेस के रूप में एकदम बिखरे हुए पड़े रहें बल्कि एक ओसेनिक सर्किल या समुद्री धारा के रूप में गांधी ने पूरे समाज या विश्व की परिकल्पना की जिसके केंद्र में व्यक्ति है व्यक्ति के बाद गाँव है गाँव के बाद ब्लॉक कर सकते हैं फिर जिला फिर राज्य फिर देश और फिर पूरी दुनिया लेकिन यहाँ पर वो गांव को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे और वे मानते थे कि प्रत्येक गांव को ये कोशिश करनी चाहिए कि वह अपने काम लायक चीज़ों का उत्पादन कर सके और बाहर की दुनिया पर से उसका संबंध जरूर हो पर वो बाहर की दुनिया पर बहुत ज़्यादा निर्भर ना हो हर चीज़ के लिए उसकी बाहर की दुनिया पर निर्भरता ना हो तो इन्हीं विचारों के आधार पर ग्राम स्वराज और ट्रस्टीशिप के आधार पर विनोबा ने भी आत्मनिर्भर गाँवों को बनाने का काम आगे बढ़ाया और वह चाहते थे कि लोग इस इन सिद्धांतों के आधार पर काम करते हुए समाज की भलाई के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करें वे कहते हैं कि ऐसे समाज में जहाँ पर ग्राम स्वराज की बात हो जहाँ पर ट्रस्टीशिप के आधार पर लोग अपनी संपदा का संरक्षण करते हों वहाँ राज्य के बल प्रयोग के बगैर ही प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार वाले आदर्श को प्राप्त किया जा सकता है और प्रत्येक की उसकी आवश्यकता के अनुसार जो है यह सूत्र जो है वह साम्यवाद की जो परिभाषा कार्ल मार्क्स ने दी है उससे जुड़ी हुई है मुझे उम्मीद है कि आपको यह बात पता होगी कि मार्क्स यह मानते हैं कि जब वर्ग संघर्ष खत्म हो जाएगा और जब एक साम्यवाद की स्थिति आखिर में आएगी तो वहाँ पर हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार काम करेगा और हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार मिलेगा यानी कि सबकी जरूरतें पूरी होंगी तो ये जो एक सूत्र था उसको पूरा करने के लिए विनोबा जो हैं वह एक ग्राम स्वराज्य की आत्मनिर्भर गांव की जो गांधी की संकल्पना है उसको मूर्त रूप देने की कोशिश करते हैं हमें यह भी याद रखने की जरूरत है कि विनोबा के जीवन काल में भी आ, या उस दौरान ही तेल, आ, तेलंगाना में तो विद्रोह हुआ ही था लेकिन उसके अलावा नक्सलबाड़ी आंदोलन में शुरू हुआ तो ये आ, विनोबा ने कभी भी बल प्रयोग के द्वारा ऐसे आंदोलनों के दमन की वकालत नहीं की वो बार बार इस बात को और रेखांकित करते थे कि वैचारिक स्तर पर इस तरह की बातों को मानने वाले लोगों के साथ संवाद करने की ज़रूरत है और उन्हें यह बताने की ज़रूरत है कि असल में हिंसा से इस तरह के लक्ष्य यानी कि सामाजिक समानता के लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता है अगर हम सामाजिक समानता स्थापित करना चाहते हैं तो हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हम अहिंसा के माध्यम से दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हुए इस तरह के समाज को बनाएं और वो इस दिशा में ही काम करते हुए नजर आते हैं जयप्रकाश नारायण की पुस्तक फ्रॉम सोशलिज्म टू सर्वोदय की प्रस्तावना में विनोबा ने यह लिखा कि सर्वोदय किसी दूसरे बात की प्रतिक्रिया नहीं है यह भारत के अपने चिंतन और व्यवस्था से उपजी है लेकिन इसे दूसरे स्थानों पर भी लागू किया जा सकता है यह राज्य राष्ट्रीयता धर्म जाति और भाषा के विभाजन से परे है ग्राम स्वराज पर आधारित एक सर्वोदय समाज की स्थापना के लिए विनोबा भावे ने निम्नलिखित बिंदुओं पर बल दिया सभी क्षेत्रों में समानता इसका सीधा सा मतलब यह है कि विनोबा इस बात को रेखांकित करते हैं कि स्त्रियों और पुरुषों के बीच में समानता होनी चाहिए विनोबा इस बात पर जोर देते हैं कि जो अस्पृश्यता है वह बिल्कुल ही समाज में नहीं होनी चाहिए जो विभिन्न तरह के जाति और समूह हैं उनके बीच में समानता होनी चाहिए गाँव के भीतर अगर कोई अल्पसंख्यक समूह है तो उसके साथ भी समानता का बर्ताव किया जाना चाहिए कहीं से भी अगर असमानता रहती है तो हम एक सर्वोदय समाज की स्थापना के लिए उसे आदर्श स्थिति नहीं मान सकते हैं दूसरा अहिंसा पर उनका जोर है कि जो सारी व्यवस्था है वह अहिंसात्मक तरीके से आगे बढ़े लोग एक दूसरे के ऊपर बल प्रयोग ना करें एक दूसरे के लिए नफ़रत ना पालें एक दूसरे के साथ ईर्षा की भावना के साथ व्यवहार ना करें बल्कि वे अहिंसात्मक मूल्यों के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। तीसरे स्तर पर सादा जीवन की जो अवधारणा है उस पर इसमें जोर दिया जाता है इसका अर्थ यह है कि जो उपभोग की जो पूरी प्रवृत्ति है कि ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन एक व्यक्ति या एक समूह अपने लिए चाहता है उसको त्यागा जाए और उसके स्थान पर व्यक्ति अपनी जरूरतों को कम करते हुए सादगीपूर्ण जीवन को अपनाएं विकेंद्रीकरण का अर्थ है कि जो पावर है जो सत्ता है या जो मशीनरी है वो ऊपर से गाँवों पर ना थोपी जाए बल्कि जो लोग हैं वह अपने जीवन से जुड़े मामलों का निर्णय करें वो इस बात को तय करें कि उन्हें अपने गांव की खेती में किस तरह के तकनीक की आवश्यकता है वो यह तय करें कि वे अपने यहां किस तरह का उद्योग लगाना चाहते हैं और उस पर वो अपना किस तरीके से नियंत्रण करना चाहते हैं तो विकेंद्रीकरण को वो एक महत्वपूर्ण आयाम के रूप में लाते हैं अपरिग्रह का अर्थ है कि अपने लिए वस्तुओं को जमा करने की प्रवृत्ति को त्यागना और इसमें फिर जो पूरी ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है वह भी महत्वपूर्ण हो जाता है आत्मनिर्भरता और सहयोग इसका एक महत्वपूर्ण तत्व है यानी कि गांव के स्तर पर लोग खुद को आत्मनिर्भर बनाएं और एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए अपने जीवन का संचालन करें यानी ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि लोग ईर्ष्या से इतने वशीभूत हो जाएं कि वो एक दूसरे से लगातार टकराव की स्थिति में रह रहे हैं लोगों को यह कोशिश करनी चाहिए कि वो एक दूसरे से सहयोग करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं इसके बाद उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इस तरीके के समाज में भोजन के लिए श्रम या शारीरिक श्रम होना चाहिए यानी कि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो बिना किसी श्रम के बैठे बिठाए अपने लिए भोजन की उम्मीद करे हर कोई शारीरिक श्रम करे यानी कि शारीरिक श्रम की महत्ता पर भी वो काफ़ी जोर देते हैं और आगे जब हम उनके शिक्षा संबंधी विचारों को देखेंगे तो वहाँ भी यह बात बहुत महत्वपूर्ण तरीके से सामने आएगी और इसके बाद उन्होंने ग्रामीण उद्योगों या कुटीर उद्योगों पर जोर दिया और उन्होंने ये कहा कि जो पूरी छोटे छोटे जो उद्योग हैं गाँव के स्तर पर उन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिए बजाय इसके कि एक बड़ा उद्योग स्थापित हो और वहाँ पर लोग मजदूरी करें तो विनोबा भावे ग्राम स्वराज के माध्यम से सर्वोदय गांवों का गणतंत्र स्थापित करना चाहते थे इसका अर्थ यह है कि जो अलग अलग गांव हैं मिसाल के तौर पर अगर हम एक ज़िले की कल्पना करें और कहें कि वहाँ पर दस हज़ार गाँव हैं या पूरे देश में सात लाख गाँव हैं तो उन सभी गाँवों में यह स्थिति होनी चाहिए कि वहाँ लोग आत्मनिर्भर हैं वहाँ लोग सादा जीवन जी रहे हैं अहिंसा और सहयोग से अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं वहाँ कुछ कठुर उद्योग हैं तो ऐसे अलग अलग गांव होंगे जिनमें कुछ जुड़ाव भी होगा लेकिन वो अपने आप में एक गणतंत्र के रूप में होंगे इसका अर्थ यह है कि वे अपने जीवन के मसलों को खुद सुलझाएंगे उसको समझने की कोशिश करेंगे तो इस रूप में उन्होंने ग्राम स्वराज्य की यह भावना या ये इस पूरे विचार को प्रस्तुत किया हालांकि यह कहा जा सकता है कि ग्राम स्वराज और सर्वोदय की जो भावना है वह एक तरीके से गांवों के बारे में काफ़ी आदर्शवादी विचारों से भरी हुई है और यह आलोचना महात्मा गांधी के गांव संबंधी विचारों की भी की जाती है इसका अर्थ यह है कि जिस तरीके से गांव में विषमता है जिस तरीके से गाँव में जातिवाद मौजूद है जिस तरीके से वहाँ पर कुछ मजबूत लोग जो हैं वो गरीब भूमिहीन या फिर दलित जातियों को लोगों का शोषण करते हैं वो सब ऐसे तथ्य हैं जिसके बरक्स जिसके सामने अगर हम सर्वोदय ग्राम स्वराज की कल्पना को रखते हैं तो वह एक यूटोपियाई और आदर्श ख्याल लगता है तो ऐसा जरूर है कि विनोबा ने इस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश की लेकिन इसमें इसके साथ यह बात भी याद रखने की जरूरत है कि कई ऐसी जटिलताएं हैं जिस पर और ज़्यादा गहराई से काम करने की आवश्यकता है और सर्वोदय गांव जो है वो एक विकल्प हो सकता है लेकिन अगर हम वास्तविकता को देखें तो वास्तविकता की स्थिति में जो विषमता जो जातिवाद जो शोषण गाँव में मौजूद है उस दिशा में अगर हमें बढ़ना है यानी सर्वोदय गाँव की दिशा में बढ़ना है तो काफ़ी काम करने की ज़रूरत है विनोबा ने ऐसे कुछ गाँवों को स्थापित करने की कोशिश की लेकिन निश्चित रूप से हमें यह कहना चाहिए कि विनोबा एक आदर्श को प्रस्तुत करते हैं गांधी के जो विचार हैं उनको और परिष्कृत तरीके से आगे बढ़ाते हैं उसे लागू करने की कोशिश भी करते हैं और एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत करते हैं जिसकी दिशा में हिंदुस्तान आगे बढ़ सकता है आगे हम विनोबा भावे की शिक्षा संबंधी विचारों पर ध्यान देंगे विनोबा भावी के शिक्षा संबंधी विचार उनकी पुस्तक थॉट्स ऑन एजुकेशन में मिलते हैं वे मौजूदा व्यवसायिक और शहर केंद्रित शिक्षा की आलोचना करते हैं भावी शिक्षा को मनुष्य के संभावनाओं को साकार करने का एक माध्यम मानते हैं उनके अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में दो तरह की समस्याएं हैं पहला शिक्षा का अभाव है यानी लोगों को शिक्षा नहीं मिल रही है और दूसरा अच्छी गुणवत्ता और मूल्यों वाले शिक्षा का अभाव है हमारे देश में शिक्षा को याद करने रटने तथा तर्क करने की क्षमता से जोड़ दिया जाता है विनोबा भावे मानते हैं कि शिक्षा में मानवीय गुणों और क्षमताओं के विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए इसे ज्ञान और कर्म यानी कौशल संबंधी कार्यों के समन्वय के रूप में होना चाहिए वे इस बात से निराश थे कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में व्यवहारिक और कौशल संबंधी ज्ञान को महत्व नहीं दिया जाता है इसके कारण लंबे समय तक विश्वविद्यालयों में शिक्षा पाने वाले लोगों के पास खेती करनी लकड़ी से कोई साज सामान तैयार करने जैसा व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता है वे शिक्षा को गांव और खेती की जरूरतों के अनुरूप बनाना चाहते थे जिससे विद्यार्थी इनसे कार्य सीख पाए भावे के अनुसार हमारी शिक्षा को कर्म उन्मुख और काम केंद्रित होना चाहिए शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों को एक घंटे तक ईश्वर का नाम जपते हुए रोज शारीरिक श्रम करना चाहिए शारीरिक प्रशिक्षण और खेल कूद को शिक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए व्यावहारिक शिक्षा में शारीरिक और मानसिक पहलुओं के बीच में संतुलन होना चाहिए शिक्षा को मनुष्य का आध्यात्मिक उन्नयन भी करना चाहिए भावी इस बात पर भी बल देते हैं कि सिर्फ उसी देश को शिक्षित माना जा सकता है जहाँ के शिक्षा में चिंतन की स्वतंत्रता निर्भयता और आत्मनियंत्रण को बढ़ावा दिया जाए उनका यह मानना है कि हर सरकार अपनी मर्जी के हिसाब से शिक्षा व्यवस्था को नियंत्रित करना चाहती है और जिस तरह से वे कहते हैं विनोबा भावे और यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह न्यायपालिका सरकार के नियंत्रण से स्वतंत्र है उसी तरह शिक्षा को भी सरकार के नियंत्रण से स्वतंत्र रखना चाहिए भावे ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले ऐसे गुरुओं की कल्पना की जो गाँव के बच्चों को नैतिक मूल्यों की शिक्षा दें कुल मिलाकर वे शिक्षा को आध्यात्मिक उन्नति और व्यवहारिक ज्ञान के माध्यम के रूप में प्रस्तुत करते हैं यानी हम कह सकते हैं कि विनोबा भावे की जो शिक्षा की परिकल्पना है उसमें आधुनिक व्यवसायिक शिक्षा से अलग एक भिन्न प्रकार का मॉडल सामने आता है ऐसी शिक्षा में वे चाहते हैं कि लोगों के भीतर जो व्यवहारिक ज्ञान है विद्यार्थियों के भीतर वो भी आए वो खेती के बारे में जाने वो कई तरह के दूसरे कामों के बारे में जाने और सिर्फ किताबी कीड़ा ना बने रहें दूसरे इसके बाद वो ये चाहते हैं कि इसमें शारीरिक श्रम या जो एक भौतिक कार्य होता है शरीर से और का बल प्रयोग करते हुए जो कार्य होता है उस तरफ लोग आगे बढ़ें फिर वो ये चाहते हैं कि जो इस तरह की शिक्षा हो उसमें आध्यात्मिक मूल्यों के विकास पर भी ध्यान दिया जाए और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव है कि कुछ ऐसे गुरु हों जो अलग अलग क्षेत्रों में जाएं और वहाँ पर जो विद्यार्थी हैं उन्हें कुछ शाश्वत नैतिक मूल्यों की शिक्षा दें लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण विचार जो विनोबा के लेखन से आती है वह यह कि वो चाहते हैं कि बार बार जो सरकारें वो अपने हिसाब से शिक्षा में छिड़खानी ना करें और न्यायपालिका जिस तरीके से स्वतंत्र है उस तरीके से शिक्षा भी स्वतंत्र होनी चाहिए और यह एक बहुत ही समकालीन सुझाव के रूप में भी हमें लग सकता है हम देखते हैं कि अलग अलग राज्यों की सरकारें हों या कई बार देश की सरकार भी केंद्र की के सरकार भी शिक्षा में दखल करती है और यह आरोप लगता है कि यह विचारधारा से प्रेरित हस्तक्षेप है तो उसे बचने का जो एक रास्ता है जो विनोबा भावे सुझाते हैं वह यह है कि शिक्षा जो है वो स्वायत्त हो सरकार के नियंत्रण से और कुल मिलाकर हम यह भी देखेंगे कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें भी कई ऐसे पहलू को समावेश किया गया है जो गांधी की नई तालीम और विनोबा के शिक्षा संबंधी विचारों से जुड़ी हुई हैं यानी कि लोगों के भीतर विद्यार्थियों के भीतर कौशल का विकास करना वो कुछ काम करने में व्यवहारिक रूप से सक्षम हो सिर्फ किताबी कीड़े के रूप में ना रहें तो कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि शिक्षा संबंधी जो विनोबा के विचार हैं वो काफ़ी समकालीन लगते हैं अब हम धर्म अहिंसा और आध्यात्मिकता के बारे में विनोबा के विचारों पर ध्यान देंगे विनोबा भावे ने धर्म को सिर्फ व्यक्ति नहीं बल्कि समाज के स्तर पर परिभाषित किया वे इसे समाज को एक सही दिशा देने वाला कारक मानते हैं वे धर्म की बुनियाद में अहिंसा को देखते हैं इस तरह उन्होंने अहिंसा का आध्यात्मीकरण किया उन्हें उन्होंने खुद को हिंदू माना और हिंदू धर्म की भी प्रशंसा करते थे लेकिन वे एक धर्म के दूसरे धर्म के ऊपर प्रभुत्व के समर्थक नहीं थे हिंदू धर्म की उनकी प्रशंसा का आधार यही था कि यह किसी भी व्यक्ति को एक पूजा पद्धति या जीवन शैली से बांधता नहीं है निश्चित तौर पर वे धर्म के नाम पर हिंसा और नफरत फैलाने के खिलाफ थे तो जो विनोबा थे वो एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं वो जीवन का और जीवन के तमाम पहलुओं का आध्यात्मिककरण करना चाहते हैं आ, उन्होंने बहुत सारे या तकरीबन सभी धर्मों के महत्वपूर्ण ग्रंथों को पढ़ा था और इस आधार पर वो हिंदू धर्म के कुछ पहलुओं की तारीफ भी करते हैं जिसमें सबसे बड़ा पहलू यही था कि एक पूजा पद्धति को हिंदू धर्म के द्वारा सभी लोगों पर नहीं थोपा जाता है सभी लोगों के भीतर स्वायत्तता होती है तो उनके इन विचारों से कम से कम हम ये सूत्र जरूर हासिल कर सकते हैं कि हिंदू धर्म के तारीफ के बाद भी वो इस बात पे डटे हुए हैं कि एक धर्म का दूसरे धर्म के ऊपर प्रभुत्व नहीं होना चाहिए और वो हिंदू धर्म की जो प्रकृति है वो उसकी बहुलता में देखते हैं उसे और उसी ही वो एक वरिण्य या श्रेयस्कर स्थिति के रूप में मानते हैं वो इस बात को बिल्कुल नकारते हैं कि हिंदू धर्म का दूसरे धर्मों पर प्रभुत्व हो या हिंदू धर्म सिर्फ एक तरह की पूजा पद्धति या किसी एक तरह की पहचान से जोड़ दिया जाए तो एक तरीके से उनका जो एक आध्यात्मिकरण का विचार है या हिंदू धर्म के प्रति जो उनके जुड़ाव का विचार है वह काफ़ी गहरे अध्ययन के रूप में सामने आ, आता है गहरे अध्ययन के बाद सामने आता है और इसके माध्यम से वो एक बेहतर समाज बनाने की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं जहाँ धर्म हो जहाँ आध्यात्म हो जहाँ हिंसा हो लेकिन इसके नाम पर इसके आधार पर दूसरों के साथ दमन ना हो लोकतंत्र और दलीय व्यवस्था के बारे में भी विनोबा भावे ने कुछ महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए आज़ादी के बाद के दौर में भावे ने लोकतंत्र और देश की सरकार के संदर्भ में कई महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार किया मसलन लोगों का अपने देश की सरकार के प्रति किस तरह का रवैया होना चाहिए नौ स्थापित राजनीतिक संस्थाएं किस सीमा तक राष्ट्र की सेवा कर पाएंगी एक आर्थिक रूप से गरीब और देश और लोकतंत्र को अपनाने वाले देश के सामने किस तरह की चुनौतियाँ होती हैं देश में बहुत से चुनावों को देखने और विभिन्न राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों को पढ़ने के बाद उन्होंने लोकनीति शीर्षक से एक पुस्तक लिखी इसमें औपचारिक लोकतांत्रिक संरचना की सीमाओं को दिखाया गया है और साथ ही इससे उबरने का सुझाव भी दिया गया है पहली बात तो यही है कि लोकतंत्र को वे तानाशाही से बेहतर मानते हैं तानाशाही को एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें कि एक शासक होता है और उसकी जो मनमर्जी होती है वही कानून होती है और उसी कानून के आधार पर देश के लोगों के जीवन का संचालन होता है यानी कि लोगों के पास कोई व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं होती है वे सरकार की आलोचना नहीं कर सकते हैं वे चाह कर भी सरकार में बदलाव नहीं कर सकते हैं तो शुरुआती बिंदु जो हमें लोकतंत्र के बारे में जो विनोबा भावे के विचार हैं उसके संदर्भ में याद रखने की ज़रूरत है कि वे अब मानते हैं कि लोकतंत्र जो है वह कई मौजूदा व्यवस्थाओं से और ख़ासतौर पर तानाशाही से बेहतर है लेकिन वे भारत में अपनाए गए लोकतंत्र के पश्चिमी मॉडल की कमियों को रेखांकित करते हैं और इसमें वो निम्नलिखित पहलुओं को महत्वपूर्ण मानते हैं और ये सारे पहलू बहुत ही महत्वपूर्ण हैं पहला वे ये कहते हैं कि इसमें संख्यात्मक गणना को महत्व दिया जाता है इससे मानवता की एकता को नुकसान होता है इसका सीधा सा मतलब यही है कि अगर हम अपने देश में ही चुनाव की पद्धति को देखें तो इसमें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है इसका मतलब ये है कि अगर पाँच छः सात उम्मीदवार हैं एक चुनाव में तो जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिला वो विजयी होता है लेकिन उससे क्या होता है कि फिर जो लोग बाकी लोग हैं जिन्होंने वोट डाला उसमें कुछ अल्पसंख्यक हो सकते हैं कुछ दूसरे विचारों के मानने वाले हो सकते हैं वो एक तरीके से बिल्कुल उपेक्षित हो जाते हैं और इससे एक टकराव की स्थिति बनती है उपेक्षा की स्थिति भी बनती है और ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा वोट मिल गया उसे यह हक मिल गया कि वो जो जिन लोगों ने उसको वोट दिया उसी के हिसाब से वो काम करे और कई बार ये चीज़ें सामने भी आती हैं विनोबा कहते हैं कि इससे क्षेत्रीय और संकुचित भावनाओं को नियंत्रित करने में सफलता नहीं मिलती लोगों के भीतर जाति धर्म भाषा और क्षेत्र के आधार पर नफ़रत बढ़ता है निश्चित रूप से ऐसा होता है क्योंकि चुनाव चुनाव जिस तरीके से होते हैं उसमें इन सभी पहलुओं का इस्तेमाल किया जाता है राजनीति में जो लोग होते हैं वो जितने तरीके से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं जितने आधार पर विभाजन पैदा करके लोगों को अपनी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं वो ऐसा करने की कोशिश करते हैं वो हर तरीके के तिकड़म को हर तरीके के तरीकों को अपनाते हैं जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ जाति के आधार पर नारेबाजी करते हैं जहाँ ज़रूरत होती है वो धर्म को एक चुनावी आधार के रूप में इस्तेमाल करते हैं भाषा को चुनावी आधार के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होता है कि जो लोगों के भीतर तो जो संकुचित भावनाएं होती हैं विनोबा यह कहते हैं कि उससे उनको उनका नियंत्रण नहीं होता है बल्कि एक तरीके से लोगों को लोग संकुचित भावनाओं के साथ जीने लगते हैं तीसरे स्तर पर वो कहते हैं कि अन्य व्यवस्थाओं की तरह ही यह व्यवस्था भी हिंसा पर आधारित है राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव जीतने के लिए अनैतिक तरीक़ों का इस्तेमाल होता है और निश्चित रूप से हम अपने देश की चुनावी प्रणाली में भी इसे देख सकते हैं और ये कोई छिपाई हुई या छिपी हुई बात नहीं है आ, सब लोग इसको जानते हैं कि अगर एक स्टूडेंट यूनियन का चुनाव भी होता है तो उसके लिए अगर बजट रखा जाता है कि स्टूडेंट यूनियन के चुनाव के लिए उदाहरण के तौर पे पचास हज़ार रुपये खर्च किए जा सकते हैं तो बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर पचास हज़ार इतनी छोटी रकम है जिसे कोई उम्मीदवार अपने पाँच दिन के चुनाव प्रचार में या दो दिन के चुनाव प्रचार में खर्च करता है और जो पूरी खर्च है वो लाखों में चली जाती है उसी तरीके से मीडिया की खबरों में आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि सांसद के चुनाव में या विधायक के चुनाव में लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और इसके अलावा हर तरह के तिकड़म का भी इस्तेमाल किया जाता है अनैतिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है तो ये जो इनकी आलोचनाएं हैं संख्यात्मक गणना पर आधारित होना संकुचित भावनाओं का विस्तार करना और अनैतिक साधनों का इस्तेमाल ये सारी के सारी काफ़ी समकालीन हैं हम इसे मौजूदा समय में भी देख सकते हैं चौथे स्तर पर वे कहते हैं कि निर्णय लोगों के द्वारा नहीं बल्कि प्रतिनिधि के रूप में चुने गए व्यक्तियों द्वारा होता है इससे लोगों को वास्तविक अर्थों में आर्थिक और राजनीतिक आज़ादी नहीं मिलती है आपको इस बात को याद रखना चाहिए कि जो ये मूलक लोकतंत्र है उसकी एक लंबी आलोचना होती रही है मतलब उसकी आलोचना की एक लंबी परंपरा है रूसों ने इसकी आलोचना की और उन्होंने कहा कि भाई ये विचार ही अपने आप में बड़ा अजीब है कि एक कोई व्यक्ति होगा जो बाकी सारे लोग उसको अपना प्रतिनिधि चुनेंगे और वो एक लंबे समय तक उनके विचारों को अव्यक्त करेगा हकीकत यह होता है कि जो यह प्रतिनिधि होता है वह अपने स्वार्थ की पूर्ति में लग जाता है लोगों की जो हित होते हैं वो उसके लिए मायने नहीं रखते हैं वो लोग और सरकार के बीच में एक ब्रोकर जैसा बन जाता है गांधी ने भी इस तरीके के प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र की आलोचना की अपने हिंद स्वराज में भी उन्होंने इस बात को रेखांकित किया और विनोबा इसी पहलू पर जोर देते हैं हम ये देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ विनोबा भावे इस तरह की बात कर रहे थे एम एन रॉय ने भी ऐसी बात कही जब प्रकाश नारायण भी इस ओर संकेत करते हैं गांधी तो निश्चित रूप से करते ही हैं कि यह जो पूरी व्यवस्था है उस पर क्या होता है कि जो लोग होते हैं उनके हाथों से वास्तविक शक्ति प्रतिनिधि के हाथों में चली जाती है फिर प्रतिनिधि एक लंबे समय तक क्या करता है उस शक्ति का वो लोगों के नियंत्रण से परे होता है फिर अगला चुनाव आता है और कई बार प्रतिनिधि अच्छा काम भी करते हैं लेकिन कई बार प्रतिनिधि फिर से अगले चुनाव में नए नए तरीके के समीकरण बनाकर नए नए तरीके के साधनों का प्रयोग करके चुनाव जीत सकते हैं तो लोगों के पास जो वास्तविक शक्ति होनी चाहिए वो नहीं होती है और इसीलिए भावे दलीय व्यवस्था को एक संदेह की निगाह से देखते हैं वे मानते थे कि दलीय व्यवस्था की जो पूरी प्रणाली है वह विदेशी अवधारणा है और भारतीय समाज की स्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं है वे देश के सभी राजनीतिक दलों को भंग करना चाहते थे उन्होंने विपक्षी दलों के नकारात्मक भूमिका की आलोचना की नकारात्मक भूमिका से मतलब है कि हर बार आ, सरकार की इस तरीके से आलोचना करना जिससे कि ऐसा लगे मानो सरकार कोई अच्छा काम कर ही नहीं रही है और इससे सरकार के कार्यों में रचनात्मक रूप से सहयोग करने के बजाय बार बार एक बाधक के रूप में स्थिति सामने आती है तो कुल मिलाकर जो विनोबा भावे हैं उनके लिए जो दलीय व्यवस्था थी वह असल में समाज को विभाजित करने का एक साधन आ, मात्र थी यानी कि अलग अलग दल अलग अलग विचारधाराओं पहचानों अस्मिताओं और जो वोटों के लिए जो समूह बन सकते हैं उनको बनाने वाले साधन के रूप में काम करने का औजार भर हैं और ये अपने तरीके से लोगों को बांटने और नियंत्रित करने का काम करते हैं और इसीलिए वो ये चाहते थे कि जो दल हैं जो दलबंदी की जो भावना है उसको ख़त्म किया जाए दलों को भंग किया जाए वे कहते हैं कि जो दल सत्ताधारी दल यानी विपक्षी दल सत्ताधारी दल की भूमिका निभा की, की कमियाँ बताते हैं विपक्ष की भूमिका नहीं निभाते हैं और उन्होंने जो विनोबा भावे हैं इन सब बातों को रेखांकित करने के बाद जो एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं वो ये कि जो धनबल है उसका प्रभाव भी चुनाव में काफ़ी बढ़ा है और मैंने पीछे उदाहरण देकर आपको बताया कि किस तरीके से धनबल का प्रभाव चुनाव में है और इसको समझने के लिए आपको किसी रॉकेट साइंस को जानने की जरूरत नहीं है आप अपने आसपास के चुनावों को देख सकते हैं आप मीडिया की खबरों को देख सकते हैं तो उससे जो पूरी चुनावी प्रणाली है उसकी एक सीमा आपकी भी समझ में आ सकती है और इसीलिए विनोबा जो है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की तरफदारी करते हैं और यह जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की धारणा है वे उस उसमें पंचायत व्यवस्था को आदर्श मानते हैं यहाँ गांव के लोग मिलकर सामूहिक रूप से इस बात की चर्चा करते हैं कि पूरे गांव के लिए अच्छा क्या है वे देश के सभी अच्छी सोच वाले लोगों का एक साझा मोर्चा बनाना चाहते थे और उन कार्यक्रमों को लागू करने के एक माध्यम के रूप में इसका इस्तेमाल करना चाहते थे जिस पर समुदाय की सहमति हो कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि जो लोकतंत्र की मौजूदा प्रणाली थी उसकी विनोबा ने एक गहरी समीक्षा प्रस्तुत की उन्होंने राजनीतिक दलों और चुनाव प्रणाली की गहरी समीक्षा प्रस्तुत की और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो एक आदर्श व्यवस्था वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है वह पंचायतों पर आधारित हो सकती है जहाँ पर गाँव के लोग सामूहिक रूप से मिलें अपने मसलों पर चर्चा करें और अपने इन मसलों पर चर्चा करते हुए वे अपनी समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करें और इसके अलावा वो चाहते थे कि जो अलग अलग लोग हैं अच्छी सोच वाले उनका एक साझा मोर्चा बने और वो विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करने का प्रयास करें तो ये एक जो पंचायती राज को आदर्श मानने की बात है वह उनके विचारों में सामने आती है नियोजन के बारे में उन्होंने यानी प्लानिंग के बारे में भी उन्होंने विचार व्यक्त किया विनोबा यह मानते हैं कि आम नागरिक एक कल्याणकारी राज्य की नियोजित अर्थव्यवस्था के प्रशासन से काफ़ी दूर होते हैं उन्हें सरकार को आ, उन्होंने सरकार को नियोजन के संदर्भ में कुछ सुझाव दिए और उन्होंने यह कहा कि सभी क्षेत्रों में विकेंद्रीकरण होना चाहिए भारत को आत्मनिर्भरता हासिल करने पर ध्यान देना चाहिए हर किसी के लिए रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए खेती के अनुसार भूमिका वितरण होना चाहिए और ये जो विनोबा भावे सुझाव दे रहे थे प्लानिंग के बारे में और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इस बात से अवगत होंगे कि जो पूरी प्लानिंग की योजना बनाने की जो व्यवस्था थी वह एक लंबे समय तक हमारे देश में रही और उसमें पंचवर्षीय योजनाओं को बनाया जाता था योजनाओं के लक्ष्य तय किए जाते थे उसके लिए राशि आवंटित की जाती थी वो कैसे लागू होगा उसके बारे में एक खाका तैयार किया जाता था और फिर उसे लागू किया जाता था तो बहुत सारे लोगों ने इसकी इस आधार पर आलोचना की कि इसमें केंद्रीकरण का तत्व है हर बार जो है हर कार्यक्रम ऊपर से बनकर आता है उसके लिए नियत राशि ऊपर से बनकर आती है उसके लिए विशेषज्ञ ऊपर से आते हैं और जो जमीनी स्तर पर जिनके लिए इस तरह के कार्यक्रम बने हैं उनको इसमें बिल्कुल ही कोई स्थान नहीं दिया गया है तो विनोबा भावे उन्हीं विचारकों में से एक थे जो नियोजन में विकेंद्रीकरण का तत्व लाना चाहते थे यानी कि जो गांव स्तर पर के लोग हैं वह इसके बारे में फ़ैसला करें कि वो किस तरीके का विकास चाहते हैं किस तरह की तकनीक चाहते हैं विकास के कार्यक्रमों को वो कैसे लागू करना चाहते हैं और वो कैसे अपने भीतर यानी कि गांव के समुदाय के भीतर आत्मनिर्भरता को हासिल करना चाहते हैं तो उन्होंने विनोबा भावे ने यह कहा कि इस तरीके से विकेंद्रीकरण होना चाहिए लोगों को रोजगार मिलना चाहिए और खेती के अनुसार भूमि का वितरण होना चाहिए अब अगर हम इनके विचारों के आलोचनात्मक मूल्यों पर ध्यान दें तो कई तरह की सीमाएं इनके विचारों में हमें नज़र आती हैं विनोबा भावे के विचारों की जो एक बड़ी आलोचना सामने आती है वह इस आधार पर है कि उन्होंने सत्याग्रह खासतौर पर सत्ता के सामने सत्याग्रह का जो गांधीवादी मूल्य है उसको काफ़ी पीछे किया और उससे ज़्यादा जोर उन्होंने दिया कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम का जो गांधी का विचार था उस पर सर सर्वोदय पर लोगों की चेतना को ज़्यादा से ज़्यादा जगाने पर और आ, जो सरकार की गलत नीतियाँ थीं उसका लोग विरोध करें इस तरह के पहलू पर उनका ध्यान नहीं गया बहुत कम गया उन्होंने कोई ऐसा आंदोलन नहीं चलाया जिससे स्वतंत्र भारत में किसी सरकार को कोई परेशानी हो भूदान आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिससे सरकार को किसी भी सरकार को यह महसूस होता कि वह एक ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि जिससे कि वो भी लागू करना चाहती हैं। तो ये जो एक कमी थी कि जो सत्याग्रह की जो गांधी की जो अवधारणा थी जिसमें कि सत्ताधारी लोगों के सामने जो वो गलत काम कर रहे थे या कोई गलत कानून है जिसे लोग गलत मान रहे हैं तो वो सत्याग्रह के साधन का इस्तेमाल करते उसका विरोध करें उसको विनोबा भावे ने तकरीबन उपेक्षित कर दिया और इस बारे में एक रोचक तथ्य यह है कि जो एक बड़े समाजवादी नेता थे राम मनोहर लोहिया उन्हें गांधीवादियों की तीन किस्म बताएं एक उन्होंने कहा कि सरकारी गांधीवादी होते हैं सरकारी गांधीवादी वो होते हैं जो कि सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से गांधी को याद करते हैं उसी माध्यम से वो गांधी की के सपनों का भारत बनाने का दावा करते हैं और वो गांधी को पूरी तरीके से एक सरकारी नियंत्रण वाले चरित्र के रूप में या फिगर के रूप में सीमित कर देते हैं और दूसरा उन्होंने मठी गांधीवादी शब्द का इस्तेमाल किया और यह माना जाता है कि उनका संकेत विनोबा जैसे गांधीवादियों की तरफ ही था जिन्होंने गांधी को एक श्रद्धा की वस्तु बना दिया और गांधी के भीतर जो आंदोलन का तत्व था जो सत्ता से सवाल करने का तत्व था जो अन्याय के प्रतिरोध का जो तत्व था उसको उन्होंने काफी धुंधला कर दिया और गांधी जो है वो कुछ रचनात्मक कार्यों के तक सीमित हो गए वहीं तक महदूद हो गए और तीसरा लोहिया ने कुजात गांधीवादी शब्द का इस्तेमाल किया था जिसे वो खुद के लिए इस्तेमाल करते थे और वो कहते थे कि वो खुद गांधी से कई बार सवाल करते हुए जो गांधी के जो बुनियादी या जो मौलिक तत्व हैं उसको आगे बढ़ाते हुए काम कर रहे हैं हालांकि हम ये कह सकते हैं कि जो विनोबा भावे थे उनको एक मठी गांधीवादी के रूप में प्रस्तुत करना उनके योगदान के साथ न्याय नहीं है क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से एक सृजनात्मक कार्यों का या कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स का जो की पूरी श्रृंखला को स्थापित करते हुए सर्वोदय समाज की स्थापना करने की कोशिश की वह अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था और वो लगातार इस दिशा में काम करते रहे लेकिन इस आलोचना से आगे बढ़ते हुए अगर हम उनके लोकतंत्र संबंधी विचारों को देखें जिसका कि मैंने अभी कुछ समय पहले जिक्र किया तो उसमें बहुत सारी बातें आकर्षक हैं बहुत सारी बातें समकालीन हैं बहुत सारी बातें हमें अपने समाज के या अपने चुनावी प्रणाली के हिसाब से ठीक लगती हैं लेकिन उसमें एक जो बुनियादी समस्या है वह यह है कि वो जो विकल्प प्रस्तुत करते हैं कि वो चाहते हैं कि गांवों के आधार पर एक समुदाय हो समुदाय में लोग बैठे हों और वो अपनी समस्याओं को सुलझा रहे हों तो यह जो पूरी व्यवस्था है वह एक आदर्श रूप में देखने में जितनी आकर्षक लगती है व्यवहारिक रूप में उसे लागू करना उतना ही कठिन है क्योंकि गाँवों के स्तर पर जिस तरह की असमानता है जिस तरीके का द्वंद है जिस तरीके का सत्ता संघर्ष है जिस तरह से जो भूमिपति लोग हैं वो गरीबों को दबाते हैं उस आधार पर सिर्फ गांवों के समुदायों से यह उम्मीद करना बिल्कुल सही उम्मीद नहीं लगती है कि वहाँ पर लोग बैठेंगे आपस से बातचीत करेंगे और अपनी समस्याओं को सुलझाएंगे और इस लिहाज से हम यह कह सकते हैं कि यह काफ़ी हद तक एक यूटोपियाई तस्वीर है जिस तरीके से रूसो बात करते हैं कि कोई जनरल विल होगा जो कि इस तरह के समुदाय से निकलेगा जो कि स्वार्थहीन समुदाय होगा यहाँ के लोग अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोच रहे होंगे कुछ ऐसी ही उम्मीद विनोबा भावे भी गांव के समुदायों से पालते हैं तो यह एक बहुत ही सीमित विचार या यूटोपियाई विचार लगता है और ऐसा लगता है कि ऊपर से दखलंदाजी की कानूनों के माध्यम से दखलंदाजी की पुलिस प्रशासन के माध्यम से दखलांदा दखलअंदाजी की भी कई बार जरूरत पड़ सकती है और हम सिर्फ समुदायों पर इस तरीके से पूरा विश्वास नहीं कर सकते हैं कि हम उन्हीं को पूरा मामला सौंप दें कि वो अपने जीवन से जुड़े तमाम पहलुओं के बारे में फैसला करें क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो मुमकिन है कि समुदाय के स्तर पर गांव के स्तर पर जो अन्याय होते हैं वह पहले की भाती ही चलते रहें जो एक आलोचना उन्होंने की यानी कि विनोबा भावे ने की आ, दलों की और प्रतिनिधि लोकतंत्र की वह अपने आप में सही आलोचना है लेकिन यह बात भी महत्वपूर्ण है कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है उसमें आ, उसके उसका जो पूरा एक मॉडल है वह अपने आप में एक काफ़ी व्यवहारिक मॉडल है और एक बड़े देश हिंदुस्तान जैसे बड़े देश के लिए यह मॉडल कारगर है कम से कम इसका बहुत आ, साफ़ विकल्प हमें नहीं दिखता है यानी कि लोग अपने प्रतिनिधियों को चुने और वो प्रतिनिधि जाएं एक जगह बैठें और देश की विभिन्न समस्याओं पर बातचीत करें यह एक ऐसा मॉडल है जिसको अपनाना व्यवहारिक मजबूरी भी कहा जा सकता है और विनोबा ने जो आलोचनाएं बताई हैं उसको सुधारने की कोशिश की जा सकती है उन आलोचनाओं के आलोक में प्रतिनिधि लोकतंत्र को बेहतर बनाने की कोशिश की जा सकती है लेकिन प्रतिनिधि लोकतंत्र को पूरी तरीके से खारिज करना इतने बड़े देश के लिए व्यवहारिक नहीं है क्योंकि इसका कोई सीधा विकल्प हमारे पास नहीं है हम यह उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि एक जिले में रहने वाले लोग भी एक साथ बैठ बातचीत कर, कर पाए तो कम से कम देश के स्तर पर हमें ज़रूर एक ऐसा साझा मन चाहिए जहाँ लोगों के विचार आ पाए और प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र और उसके भीतर जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनका यह काम होता है दलों को खारिज करने का विचार भी बहुत व्यवहारिक नहीं है क्योंकि जो दल हैं वो अलग अलग आवाज़ों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं यह सही है कि चुनावों को जीतने के लिए सत्ता हासिल करने के लिए सत्ता को कायम रखने के लिए कई बार जो दल हैं वो नकारात्मक काम भी करते हैं उसमें सुधार की ज़रूरत है लेकिन अगर हम दलों को हटा देंगे तो शायद जो अलग अलग तरह के विचार हैं वह सामने नहीं आ पाएंगे और यह मुमकिन है कि समाज में जिसका पहले से प्रभुत्व है उसी विचार को बार बार मौका मिलता रहे लोकतंत्र के बारे में विचार करते हुए ही विनोबा भावे विपक्षी दलों की काफी तीखी आलोचना करते हैं यह आलोचना काफी हद तक सही मानी जा सकती है लेकिन जो डिसरप्शन है वो कहते हैं कि विपक्ष नकारात्मक राजनीति करता है रचनात्मक सहयोग सरकार को नहीं देता है लेकिन विपक्ष अपने काम को सही तरीके से तभी कर पाएगा जब वो सरकार की कमियों को सामने लाए क्योंकि सरकार अगर बार बार अपनी क्योंकि सरकार के पास अपनी खूबियों को बताने के लिए बहुत सारी मशीनरी है पूरा का पूरा नौकरशाही तबका है कई सारे उसके सरकारी मीडिया होते हैं कई बार जो निजी मीडिया होता है वो भी उसका समर्थन करता है तो ऐसे में विपक्ष अगर सरकार की कमियों को बताता है तो वो अपने काम को सही तरीके से कर रहा होता है ऐसा कहा जा सकता है तो मैं विरोबा के विचारों की कमी के रूप में इस बात को रेखांकित करना चाहता हूं कि विपक्षी दलों की उनकी आलोचना ज्यादा तीखी हो जाती है क्योंकि तो विपक्षी दल जो हैं वो सरकार की कमियों को सामने लाकर एक वैकल्पिक नैरेटिव प्रस्तुत करने का भी काम करते हैं जिससे जो लोग होते हैं वो काफी हद तक राजनीति और राजनीतिक मुद्दों के बारे में शिक्षित होते हैं जो विनोबा की जो पहली आलोचना मैंने की थी सत्याग्रह वाले पहलू को नकारने की या उसकी उपेक्षा करने की उसी का एक अगला पड़ाव उनके जीवन में भी देखने को मिलता है जब आपातकाल को वो अनुशासन उत्सव के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं आपातकाल जहाँ पर लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का इंदिरा गांधी के सरकार के द्वारा दमन किया गया था आपातकाल जिसमें कि मीडिया पर काफी नियंत्रण हो गया था आपातकाल जिसमें उनके बहुत सारे सहयोगी पूर्व सहयोगी जयप्रकाश नारायण जैसे लोग जिसके विरोध कर रहे थे और जिसके कारण उन्हें जेलों में डाल दिया गया था उन सबको उस पूरी स्थिति को विनोबा भावे बहुत सघनता से नहीं देख पाएं उसका सही मूल्यांकन नहीं कर पाए और उन्होंने एक तरीके से उसका समर्थन कर दिया और शायद इसका एक बड़ा कारण यही है कि उन्होंने महात्मा गांधी के जो विचार हैं उनको काफ़ी हद तक एक ऐसे विचारों के रूप में अपनाया जिसका जिसको वो सृजनात्मक रूप से इस्तेमाल करना चाहते थे लेकिन अन्याय के प्रतिरोध के रूप में जो गांधी के विचार हैं उससे वो थोड़ी दूरी बनाकर ही रखते हैं ऐसा लगता है फिर भी निष्कर्ष के रूप में हम यह जरूर कह सकते हैं कि विनोबा भावे ने गांधी के कुछ सूत्रों का विकास किया मसलन उन्होंने संसदीय लोकतंत्र की ज़्यादा व्यवस्थित आलोचना की उन्होंने राजनीति के बारे में गांधी के विचारों को मूर्त रूप देते हुए लोकनीति का सिद्धांत विकसित किया विनोबा का भूधान आंदोलन महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप के विचारों को क्रियान्वित करने का एक प्रयास था लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा विनोबा जो है वो गांधी के विचारों के कुछ सूत्रों को उतना ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं लाते हैं बहरहाल मैं यह जरूर कहूँगा कि विनोबा भाभी एक ऐसे राजनीतिक चिंतक के रूप में सामने आते हैं जिन्होंने अपने विचार के माध्यम से और अपने कार्यों के माध्यम से स्वतंत्रता के बाद की भारत की राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला स्वतंत्रता से पहले की भारत की राजनीति में भी वो सक्रिय रहे देश की आजादी के लिए जेल गए और स्वतंत्रता बाद की भारत की राजनीति में उन्होंने लोगों के भीतर सामुदायिक जीवन की एक चेतना भरने की कोशिश की लोगों के भीतर यह चेतना भरने की कोशिश की कि उन्हें समाज के वंचित लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए और इस तरीके से एक सर्वोदय समाज की स्थापना के लिए उन्होंने कार्य किया मुझे ये उम्मीद है कि अपने इस एक घंटे की प्रस्तुति में मैं विनोबा भावे के जीवन उनके कार्यों और उनके विचारों के बारे में आपको एक आलोचनात्मक समझ दे पाया होगा इस पूरे कोर्स के दौरान इस इस व्याख्यानों के श्रृंखला के दौरान हमारी यह कोशिश रही कि हम आपके सामने एक घंटे के एक व्याख्यान में एक राजनीतिक चिंतक के जीवन उसके कार्यों और उसके विचारों के, के एक समग्र समझ प्रस्तुत करें निश्चित रूप से एक घंटे में एक विचारों को समेटा नहीं जा सकता है तो इन सभी व्याख्यानों को आप एक ऐसे व्याख्यान के रूप में देखें जो कि आपको इन विचारकों से परिचय प्रदान करती हैं और उसके बाद आगे आप इनके बारे में और पढ़ें इनके बारे में एक आलोचनात्मक समझ विकसित करें और यह भी देखें कि इनके विचार किस सीमा तक अपने समय के हिसाब से उभर कर सामने आते हैं और ये विचार किस सीमा तक समकालीन भारतीय समाज और राजनीति को समझने में हमारी मदद करते हैं तो इस व्याख्यान को और इस आ, इस पूरी श्रृंखला में हमारी यह कोशिश रही कि हम आपको आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों के बारे में जानकारी प्रदान करें निश्चित रूप से आप यह उम्मीद शायद नहीं कर सकते हैं कि एक घंटे के व्याख्यान में किसी भी राजनीतिक चिंतक के जीवन और विचारों के समग्र पहलुओं को सभी पहलुओं को आपके सामने रखा जा सके लेकिन आप इन सभी व्याख्यानों को एक परिचयात्मक व्याख्यान के रूप में ज़रूर देख सकते हैं जहाँ पर हमने यह कोशिश की है कि हम सभी चिंतकों के जिनको कि हमने इस श्रृंखला में शामिल किया उनके जीवन के बारे में उनके महत्वपूर्ण कार्यों और विचारों के बारे में आपको बताएं और एक आलोचनात्मक समझ प्रस्तुत करने की कोशिश करें और मुझे ये उम्मीद है कि इस पूरी श्रृंखला को देखने के बाद आप इन विचारकों के बारे में और गहराई से पढ़ेंगे और दूसरे स्रोतों के पास जाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने जो विभिन्न विचार दिए उन्हें और विस्तार में कैसे समझा जा सकता है तो इस पूरी श्रृंखला को समाप्त करने की मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ और आगे हम और मिलेंगे और कुछ अन्य मुद्दों पर बातचीत करेंगे नमस्कार